नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र हैं जिनको फ्री मोबाइल और टैबलेट्स पाने के लिए आवेदन करना है, तो आज मैं उन सभी छात्रों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप फ्री में मोबाइल और टैबलेट कैसे पा सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और इन सभी छात्रों को पहले मिलेगा। तो ऐसे कौन से छात्र हैं जिनको पहले मिलने वाला है टैबलेट्स और मोबाइल, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। तो चलिए मैं तरीके स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको कंप्लीट बता दूँ कि कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो मैं आपको बता दूं, कंप्लीट में बता दूं, अगर आपके हाई स्कूल या इंटर में ओब्वियसली मैं आपको बता दूं, इंटर में अगर आपके 65% से ज़्यादा नंबर हैं तब तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन कौन से छात्र, जैसे कि आपको एग्जांपल में बता दूं, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीफार्म, डीफार्मेसी किसी भी छात्र पोस्ट मैट्रिक की कोई भी छात्र आप हो, 12वीं पास हो, अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसे आवेदन कर पाओगे, इसका लाभ ले पाओगे। ओके, ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि आपको इसके मतलब कौन सा लैपटॉप मिल दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा लैपटॉप आपको दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो भी लैपटॉप देने की बात हो रही है मतलब टैबलेट देने की बात जो भी हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सब सब क्या बताया गया, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या छात्र छात्राओं के पास न्यूनतम अंक 65 से 70 तक होनी चाहिए। ओके, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, आपके दिमाग में तो ये भी चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए आवेदन की बात कर ले, तो आवेदन के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूपी फ्री लैपटॉप योजना अप्लाई करने के लिए आपके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। मतलब आपको एक, अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा, उस वेबसाइट से आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए गाइस, उसके बाद देखिए, आपको मैं स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन योजना, देखिए विद्यार्थियों के द्वारा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ के बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में राज्य बोर्ड के अंतर्गत ली गई है वो, मतलब जो भी विद्यार्थी हो 10वीं 12वीं के, वो परीक्षा मतलब इसी राज्य यूपी के राज्य में ही हो, मतलब उनके यूपी बोर्ड का ही होगा रिजल्ट, तभी उनको मिल पाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको क्या है, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओके, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो आपके पास फर्स्टली आपको आधार कार्ड नेसेसरी है, यहाँ पे देख लीजिए आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो, और बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र, अगर आपको बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र के बारे में नहीं पता है तो आप अपने ग्राम प्रधान से मिलकर वहाँ पर पता कर लीजिएगा, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासवर्ड साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, से छात्रों को कुछ निजी जानकारी। ओके, अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप इसे आवेदन कर पाओगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पर देखिए, इस योजना के अंतर्गत पॉलिटेक्निक तथा आईटी करने वाले छात्र छात्राओं को भी भर सकते हैं। मतलब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए कि इस योजना के अंतर्गत पॉलिटेक्निक तथा आईटी करने वाले छात्र छात्राएं भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी क्लियर हुआ। अब चलिए गाइस, जानते हैं कि आपको इसको आवेदन कैसे करना है, आपके दिमाग में तो ये भी चल रहा है कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, तो गाइस इसके लिए क्या बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए वेबसाइट पर जाते ही आपको, मतलब यहाँ पे एक आपको वेबसाइट बताया गया है कि सबसे पहले आपको यूपी लैपटॉप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया गया ट्रिक, मतलब आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि मैं आपको सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी, मतलब आपको आपको जो भी जानकारी होगी आपको दर्ज करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप संबंधित दस्तावेज को अपलोड करेंगे, मतलब जो भी आपके संबंधित दस्तावेज हैं आपको उसको अपलोड करना होगा। एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल सबमिट करना होगा, आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बताया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ 8400400400, जी हाँ याद कर लीजिए वो नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको तुरंत मिलेंगे वीडियो सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे। बस आपको 8400400400 नंबर सेव करने हैं, सेव करने के बाद चैट ओपन करना है, चैट ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चन का फोटो खींचना है, खींचने के बाद क्रॉप करना है, मात्र 5 सेकेंड में मिलेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर। चाहे आप सिक्स 12 ITJEE मेंस एडवांस नीट CBSE बोर्ड स्टेट बोर्ड अदर स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड के हो, तो देरी किस बात की, 8400400400 पे तुरंत मैसेज करो और अपने डाउट को आउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। के साथ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा, आपको एक यूजर आईडी मिलेगा,
पासवर्ड मिलेगा आपको, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी और यूजर आईडी तथा पासवर्ड को अपने ध्यानपूर्वक कहीं सुरक्षित रख ले, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर्स होगा, रेफरल कोड्स होगा, आपको सुरक्षित रख लेना है। तो आपको इसे सुरक्षित रख लेना है ताकि बाद में अगर आप लॉग इन करो तो आपको वहाँ पर हेल्पफुल बन सके, कोई काम आएगा, आपको कोई सहायता ही मिल पाएगा। ओके, उसके बाद भाई बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको क्या है कि यूपी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलता है, इसे आप सुरक्षित रख ले क्योंकि इसी नंबर के बदौलत भविष्य में आपको पात्रता का पुष्टि हो सकता है या आप अपने आवेदन की स्थिति जांच पाएंगे। ओके, मैंने बताया जो वही यहाँ पे बताया गया। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, कहाँ से करना है, इसकी साइट क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा के बता दूँ, यहाँ पे आपको मैं साइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे साइट प्रोवाइड करी गई है इसी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और बच्चों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट इसका 1800 करोड़ बजट भी पास कर चुका है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बोल भी रखा है कि 18 करोड़ बजट पास भी हो चुका है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आवेदन कहाँ से करना है, आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, मैं आपको दिखाऊंगा, बस आप सबको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। ओके, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना रहेगा ना, यूपी फ्री लैपटॉप योजना अप्लाई, क्लिक करेंगे आप सीधा इसके ऑफिशियल साइट पर दोबारा से आ जाएंगे एंड आपको फिर से यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, आपको सॉरी मैं आपको खोज के मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, upcmo.upi.nic.in, आपको इसी साइट पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके आवेदन करके अपना फॉर्म को अप्लाई करना। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आवे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आप सबको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है जो मैं आपको बना पाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि और कोई अपडेट आवे मैं आप सबको अपडेट करा सकूँ। तो जय हिंद, नमस्ते, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो।